प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने एनेक्सी भवन के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को कुल 4,41,00,000 का डेमो चेक वितरित किया, जिसमें रिवॉल्विंग फंड की धनराशि 81,30,000 रुपये तथा सामुदायिक निवेश निधि में 3,59,70,000 रुपये की धनराशि शामिल है। इसी क्रम में कृषि विभाग की 5 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 10, निराश्रित महिलाओं को प्रोबेशन विभाग की ओर से 15, दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल तथा 3 पुरुषों को कान की मशीन तथा स्मार्ट छड़ी का वितरण किया गया और ICDS के तहत 2 लाभार्थियों का कोद भराई तथा 1 बच्चे का अन्न प्राशन तथा 2 को पोषण पोटली एवं डूडा द्वारा PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग योजना तथा टेलरिंग शॉप योजना अंतर्गत कुल 15 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड के 5 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के सरकार के समाज कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, मैडम
मैडम आप थोड़ा पीछे बाहर का कर दीजिए, ठीक है मंत्री जी, इधर थोड़ा थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देव योगी जी की सरकार ने कहा है हर प्रकार के लोगों को सहयोग करेंगे, उसमें दिव्यांग जनों को भी सहयोग के रूप में ट्राई साइकिल दिया गया है, कुछ लोगों को पान का वो मशीन दिया गया है, कुछ लोगों को बैसाखी दिया गया है। इस प्रकार से ऐसे लोगों को जो उनको हरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, हमारी सरकार ने दिया उनको अपने पैर पे चलने के लिए, अपने आगे काम करने के लिए अधिकार दिए। तो बच्चों का अनुकाश बनना हमारे भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि माताओं बहनों के लिए गोद भराई और अन्न प्राशन करके बच्चों को, जिस दिन से अन्न खाने की बात होती है अन्न प्राशन किया जाता है, ये भारतीय परंपरा के अनुसार ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय परंपरा के साथ सारी व्यवस्था कर रही है और उसको आगे करती रहेगी और हम सबके साथ मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे।